अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुसरे दे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा, क्या हाल हैं तुम्हारे? ठीक ठाक हो, मजे विच हो? और खूबसूरत सवेर का आगाज थी कि गुड मॉर्निंग अक्सा जी आया को अक्सा अपने तमाम व्यूअर्स को, तमाम नाजरीन को, तमाम भेणी को जनाब, और तमाम प्यारे प्यारे सहेलियां को, तमाम प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे दोस्तों को गुड मॉर्निंग जी आया को खुश आमदीद। अच्छा सवेर ना थोड़ा बोलना मुश्किल होता वैसे और मैं भी जब प्रोग्राम ने स्टार्ट थी होंदा खामोशी ना जनाब बैठी होनी है, और जो ही जनाब आता ने क्यों आयशा और बोलो और टट शुरू थी वही। हाँ अच्छा देखो, याद आंदा पे कल दी गाल है जल सब अपने बच्चों को दे दे हैं, यकीन अपना ही दौर याद आंदे और एक खूबसूरत दौर यकीनन गुजर वेंदे थे, और वाला सब मामा भाण वेने हैं और उन्हें बाद ही में आदि अपनी मर्जी के नहीं भी नहीं चलती, वाल बच्चियां दी मर्जी चलती पई होंदी है। पहले ऐसा रोने हैं जनाब जी, जेड़ा सा लड़कपन में छोने हैं, ये बचपन तो जवानी तक आने हैं, तो उम्र सारे को लड़कियां को स्पेशल में आदि हाँ बड़ी सारी गाली सुनने पौने, रिस्ट्रिक्शन होंगी है, इतना ए ना करो ओ ना करो, इतना ना बाओ इतना बाओ, और थोड़ा एटिकेट से चबाओ और जनाब बिल्कुल अगर कोई खुले अंदाज नाल बांधे तो ई ना बाओ, बॉयज दी तरह क्यों बैठे हो, ए क्यों किदी बैठे हो, बड़े रिस्ट्रिक्शन होने, ए ना खाओ ओ ना खाओ, मोटी थी वे से। अच्छा ये तमाम गाली जेड़ा थ्रू आउट चलते, वैसे मैं मोटी शुरू दी कहना हम मजे दी गाल है, और मेरी अम्मा जड़ी है मेरे तो बड़ी मेहनत करेंदे हैं, खूब जनाब जी खाना खवाया वेंदा है, आयशा ए खाओ आयशा ओ खाओ, मेरी नानी नाल मेरी बड़ी दिल होंदी है और वो बड़ा ख्याल करें मेरी केयर करेंदे हैं आयशा, और छुपा छुपा के दूध और पता नहीं मलाई मक्खन और पता नहीं क्या क्या मेरे को खवे रहे हैं कि आयशा मोटी थी वने। और आजकल के बच्चे जड़े हैं ना माशाल्लाह, मेरी जड़ी बेटी हो बल्कि है वो हेल्दी है, को खवाने की जरूरत नहीं पौंदी वो जड़ा भी कुछ भी खा के नहीं, और जनाब जी मेरे को भी उधर जनाब जी वेट जड़ा है अब अबव है पे, और वाल अक्सर होने थे कि नहीं मम्मा आपका वेट कम क्यों है। अच्छा बहरहाल हमेशा इस तरह के बच्चों को अक्सर बच्चों को गाली सुनने पौने थे, और खुद अपनी कोई भी मर्जी नहीं होती, यकीन नहीं पूछा मिलता कि तुसा क्या चाहते हो, क्या तेरी मर्जी है। अगर असर डिठा मने मतलब तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करूँ तो एक मतलब लोगों के मुताबिक अगर असर चाहूँ जिंदगी गुजारना तो यकीन एक मैं बेजार तरीन काम है पाया, मुश्किल तरीन भी काम है, असा हर एक दे को अच्छा नहीं बन सकते, अक्सर औकात सारी जिंदगी पूरी जिंदगी ही चक्र में ही गुजर वेंदी है। इतने बचपन थी जवानी की गाल करें पे हम जरा सा मेच्योरिटी में आने हैं, इन एज वच भी आने हैं, तो असा कोशिश करेंदे पे उन्हें हर एक को खुश करन दी और हर एक दे मशवरे ते चलन दी कोशिश करेंदे पे उन्हें, आपकी जी सारी मर्जी होंदी है खवतीन दी मियाद हाँ वह अरसे बाद शायद जल बच्चे में जो वे थी वन उन्होंने शादियां थी वन बस मामा को तो ऊँ वे भी मियाद मतलब इतनी अहमियत नहीं दी वेंदी पी उन्होंने को मशवरा गिदा वन सारे वालिद का मशवरा चला वा चलता पे आंदे, या सस या ससुर का मशवरा चलता पे आंदे, या रिश्तेदार की मियाद गाल मनी वेंदी पी होंगी, ऊँ वे भी वह खवतीन को अपनी मर्जी चलावन का हक नहीं दिता वा पे आंदा, यानी कि असर देखते हैं कि थ्रू आउट जो बच्चियां हैं पियाँ उन्होंने अपनी मर्जी नाल उठन बावन की भी इजाजत नहीं होंगी, खावन की भी इजाजत नहीं होंगी, और हर चीज़ आखा में देख के चलो संभल के चलो घरदारी सीखो अगू तुसा वे थे, ये अल्फाज जड़े होने ये पूरी जिंदगी गर्दिश करेंदे पे होने थे, और हर माँ इवें ही करेंदी है यानी कि मेरी माँ ने मेरे को ये गाने की थे यकीनन, और के आयशा घरदारी सीखो अगले घर च बढ़ने, और आज मेरी छोटी जी बच्ची और मैं कोई याद रहनी है बख्तावर बख्तावर ये ना कर वो ना कर, अगले घर में जाएगी तो पता चलेगा, यानी वही गाने साको जो विरासत मिले हुए मैं आख सकती हाँ असा वही घिन के अपने बच्चों की परवान चढ़ेंदे पे होने हैं, उन्होंने मियादी शख्सियत को कि असा मसख करने पे होने हैं, असा उन्होंने जो कॉन्फिडेंस होंगे जिहड़ा एतमाद होंगे वह को असा खत्म कर देने हैं, उन्होंने उन्होंने को यानी कोई कुछ अदर ना मशुरा घेरन की जी गाल की वेंदी है एडवाइस गिदा वेंदी थे, उन्होंने को इतने भी काबिल नहीं होंगे कि वो कहीं को अच्छा मशुरा दे सकें थे, या बाजे टाइम में थी कि लोग कोई गाल करें असा मन घेने कि ठीक है तुरा मशुरा ज्यादा बेहतर है, यानी दूजे को असा ज्यादा काबिल समझन लग वेने हैं, तो मेरा ख्याल है पहले अपने उत्ते यानी इन्हें सारी चीज़ों को हटावना पोसी, अपनी शख्सियत को ऑब्जर्व करना पोसी कि मैं क्या हाँ
मैं क्या चाहनी हाँ। तो आपको कुदरत ने व्याधियाँ जीने भी बनाए, बड़ा ही खूब बनाए और बड़ा ही खूबसूरत बनाए थे। और व्याधियाँ जो जिंदगी दे वक्त थे पिया, है ना, जिंदगी या तो जिंदगी दे जो लम्हे हैं बहु ही अनमोल हैं, बहु ही कीमती हैं। इन्हें को अंडरस्टैंड करना बहु ही जरूरी है। पहली गया मजे गुफ्तगु भी करे सा जनाब वेला थी कि छोटी ये ब्रेक था कि थे ना वैसे सर नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद आपका कुछ सवेल दे रहांगे च। और यकीनन यकीनन जड़े मैं अज दी गल कीती होई है पिया कि असाकू कुछ चीज़ा जड़े हैं बदलने चाहिए। मैं आदि हाँ कितें अपनी सोच को कितें सारे रवैये को बदलन दिता वो ही जरूरत है पई, ताकि सारे जड़े खवातीन हैं जड़े बच्चियां हैं वो इंडिपेंडेंट थी सकन और अपने जिंदगी के मियादे फैसले करने कम से कम थोड़े बहुते तो उन्हें को इख्तियार होना बहुत ही जरूरी है। जनाब चल सो ही टाइम और सनल आज दे गेस्ट हैं जनाब बिल्कुल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं और कलम निगार हैं, ख्वाजा मजहर सदीकी साहब हैं। गुड मॉर्निंग अक्सो जी आए को अक्सो खुश आमदीद। थैंक यू जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल मैं हूँ चुप थी वैसा और जो इन्होंने बोलने थी बोले मेरी आवाज आ कहना उसे। नहीं ऐसे तो अच्छा बोले दे हो तारे को अच्छा ख्याल है, अच्छी थैंक गुफ्तगू है, अच्छे अल्फाज हैं और तारे सीने दे जो दिल है वो भी इंसानियत की भलाई वास्ते धड़क दे वेलकम। और हमेशा तो पहलुओं से मुसबत पहलुओं से गाल की है और आज भी जो तारा मौजूद है बहुत शानदार है। थैंक यू थैंक यू। जनाब सारे नाल बिल्कुल सिंगर भी हैं और अर्शवंत हैं पे न गुड मॉर्निंग अक्सर जी आए को खुश आमदीद अक्सर। थैंक यू अर्शवंत तशरीफ घेन के। और सारे नाल जनाब बिल्कुल मरियम गाजी हैं एजुकेशनिस्ट हैं, खुश आमदीद अक्सर गुड मॉर्निंग अक्सर जी आए को अक्सर। बड़े औखा टाइम बीते नदी जॉब तो मतलब छुट्टी घेना बड़ा औखा है, लेकिन थैंक यू जनाब साथ आए सारे वास्ते सारे खवातीन वास्ते। और जनाब बिल्कुल सनल रैप सिंगर हैं अरसलान हैं, गुड मॉर्निंग अक्सर जी आए को खुश आमदीद। थैंक यू तशरीफ घेन के। और अच्छा चल सा जनाब ख्वाजा साहब तारे पास, मेरी आवाज़ सुबह सुबह ख़राब थी। अच्छा मैं पूछना चाहता लड़कियां की गाल थी पई है, बच्चियों की सा गाल करते पैसे जो मैं स्टार्ट भी की ते हुण क्या कि चीज़ को बदलने की जरूरत है, सोच को बदलने की जरूरत है, नजरिया जिंदगी ज़रा बदलने थी। पहले तो मैं समझता हूँ बच्चे दे नजरिए को बदलने और क्या क्या करना क्या है असल ये है मसला। और मैं चाहता कि मेरे नाजरीन जुड़े हैं वो भी जनाब बिल्कुल प्रोग्राम में शामिल थी सकते थे। और मैं चाहता कि नंबर दसा और जनाब बिल्कुल नंबर है 0335-0335-444 यानी कि 444-0854 और 53 है सारा रुझान नंबर। तो जनाब जी बिल्कुल कॉल कर सकते हो, प्रोग्राम में शामिल थी सकते हो। और आज गाल थी पई है कि जनाब बिल्कुल मैं समेत बहुत सारे खवातीन जड़े है शो लेते बैठे सन घर में और प्रोग्राम लेते बैठे हो सन सबको यो ही मसला होता कि वाकई सारा मसला है पिया, यकीन मसला है सीरियस मसला। मैं समझती हूँ गाल थी चाहिए है कि कड़ी चीज़ है जिसको बदलने की जरूरत है, सारी सोच को इन टाइम बहुत जरूरत है बदलने की, बच्चिया की सोच को माव सोच को, क्योंकि एक माँ सोच भाई आदर ना बच्ची मुंतकिल थी और वाल एक बच्ची जड़ी है वरी थी कि माँ भरती और मुंतकिल थी आंदी क्या अक्सो हवाले। शुक्रिया आयशा, थोड़ा सा ये आप जैसे बात कर रही थी बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रही है। शायद मैन डोमिनेट सोसाइटी के हवाले से तरबियत हमारी जो माएँ करती हैं बेटों की वो उनको बहुत ज्यादा आज़ादी देती हैं और जो बच्चियाँ होती हैं वो बहुत पाबंद रखी जाती हैं। आपने एक बात बहुत अच्छी की के वालदैन में से वालदा की जो है क्योंकि अवलीन दरसगाह वो है, तरबियत की गोद पहली वही है, तो जो वालदा पुट कर सकती हैं अपनी बेटी के दिमाग में या बेटे के दिमाग में वो बैरूनी तौर पे कोई दूसरा अमल अवामिल नहीं इसमें शामिल हो सकते। सबसे पहले तो ये कि वालदा को अपनी बेटियों के लिए बेटों वाले स्टैंडर्ड ही मुतय्यन करने चाहिए और दूसरा अवेयरनेस बच्चियों को देनी चाहिए अपनी ज़ात के हवाले से, उनको खुद आगाही हो, खुद शनासी हो, उन्हें अपना ये पता हो कि किस हद में रहकर वो कहाँ तक अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकती हैं कि मुआशरे के लिए एक अहम जूस साबित अच्छा, हो सके। मरियम नोट की तो अक्सर बच्चियाँ जड़े हैं क्योंकि भेड़ भिड़ा इकट्ठे पर्दे पे होने जी जी नेचर वाइज और आदत वाइज भी अक्सर डेवलपमेंट को जन थी पई होंगी और बच्चा को अच्छा लगता पे जो भाई करेंगे पे उन्हें अगर भाई की तादाद ज्यादा है भेन है के तो उनका जो स्टाइल होंगे वो बॉयज वाला भाण में थे। अच्छा असा इतना अक्सर वालदा को टुकेंदे रहते हैं नहीं तुम लड़की हो तुम ये हो नहीं
चेंज करने घर चलाने, लेकिन अक्सर बच्चों के जो पेरेंट्स होने वो आदि नहीं जैसे है वैसे ही ठीक है और हूँ स्टाइल नाल बच्ची भी अगू ग्रो करेंदी पई होंगी है और वो एक नेचर एक आदत बन जाती है वाल उन्हें कोई परवाह नहीं होंगी कि दुनिया क्या आदि है लोग क्या आदि रिश्तेदार क्या आदि वो अपनी मर्जी नाल अपनी बच्ची की लाइफ है या बच्ची जी अपनी मर्जी नाल लाइफ गुजरेंदी पई जब बहुत ही मुश्किल काम है कि लोग क्या आदि ने कोई नजरअंदाज करना ना ही नाजन चलते पैसे छोटी ब्रेक तक थे सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदेद को सवेल दे रहा है और जनाब गाल थी पई कि सारे घर जनाब जो बच्चिया हैं उनको ना तो सोचन दी ना समझन दी आजादी है ना मशवरा देवन दी आजादी है और ये बचपन दा ही में चल रहा है सिलसिला और बाजे घर में शादी थी वे बाद भी बच्ची को जड़ी है खातून में आ सकती हाँ उन्हें को नहीं पूछा वह मशवरा नहीं किया वह थे कि मैं मजहब में सही आदि बैठे बिल्कुल ठीक है मजमुई तौर से यो कैफियत है हाँ। कि मैं तो इंदा पस मंजर थोड़ा दसावना जाना कि सारे हाँ जो बहुत छोटा बाल होंगे और वे बोलेंदे तो कहते तुम्हें बोलने की जरूरत कैसे हुई हाँ। बड़ों के बीच में हाँ, असा बाल को ना कैप्चर करके रखे ने हैं कैद रखे ने जिवें पिंजरे को ढका वेंदे ना ये बाल को ढका इज्जत ते एहतराम साला मजरू थिंदा पे एक छोटा थी के अगर ए एक्सपीरियंस तजुर्बेकार है असा दे ना बाल असा धोपे सफेद एक बड़ा आखा में कॉमन या है कौन है अच्छा इंदे देखो ना तुसा वालदा ने डांट दीता जी अब्बा जी ने डांट दीता दादी ने भजा दीता अच्छा बच्चे को बोलने का मौका ना मिला स्कूल गया तो उन्हें सवाल चाहता सवाल याद रखा है अद्धा इल्म में पिया और जहीन बालां दी निशानी होंदी है को सवाल करें स्कूल गया तो स्कूल को कहा चुप करो अभी तुम नहीं बोल सकते सवाल कर रहे हो शर्म नहीं आती तुम्हें तमीज नहीं सिखाई बच्चे को दबा दिता गया उनकी शख्सियत को मसद कर दिता गया डांट डबट के ई गाल आदि बना गया जिम्मे असा आखो तू उ टुरने जिम्मे असा आखो तू उ बोलने जिम्मे तू अस आखो जड़ी गाल आखो तू आखनी है यानी तू बोलना भी सारी मर्जी नाल है केड़े वेले बोलने वो भी असा तक दसने बाल जड़ा है वो खौफजदा थी वेंदे डर वेंदे और एतमाद तो महरूम थी वेंदे उनका हल यो ही है कि बच्चों को मशवरे शामिल किया वने उनको बेहतरीन कम करन ते शाबाश दीती वने और अच्छे सवाल ते इनाम दीता वने और उनका तसल्ली बख्श जवाब दीता वने मरियम मरियम तो सारे को वे पेरेंट्स सारे को कुछ ध्यान मशवरा घिनने हन हाँ क्या ये चीज अगू चल के तक नजर आई है कहना नजर नहीं मैं छोटी थी तब से ही वो मुझे अपनी हर बात में शामिल करना आजादी राय होना ख्याल बयान कर देना और उसका ये एडवांटेज है कि मैं समझती हूँ कि कल को अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मुझे साहब औलाद करेगा तो मैं अपने बच्चों को ये आजादी जरूर दूंगी इंशाल्लाह मेरी अम्मी अबू भी इवे हन पे बिल्कुल पूरी तरीके नाल आजादी है हर कम अच्छा करना है लेकिन एक दायरे दे अंदर रह के ना लेकिन हर कम किते अपनी सोच के मुताबिक किते हमेशा माँ पे उन्हें साथ देते हैं मोहब्बत भी की और इखलाक प्यार सारे डिवेलप भी थे और अस अपने बालाए डिवेलप किते और इंशाल्लाह करेंगे आज के माँ बाप के लिए भी जैसे मजर भाई और आप जो राफिया कह रही है असल में औलाद की तरबियत से पहले उनकी अपनी तरबियत की भी जरूरत है बिल्कुल वही बात कि उनको खुद भी इन मरियम वही गाल भी है कि मैं ये डिठे कि जितना भी कई मर्द को मैं खूबसूरत बनाए देता अच्छा बुलेने देता उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके जेस्टर्स को मैं देता मैं कहता कि यार या तो तेरी माँ बहु चंगी है या तेरी बीवी बहु अच्छी है वो मेकू आदे कि तेको कि पता चली है मैं कि तेरे बावन बोलन आदे मेको दूहों का साथ बहु अच्छा मिले अच्छा बच्चों की शख्सियत पर्सनैलिटी डिवेलप करने बदलने अपने ख्याल बदल सकते हैं क्योंकि सारे माशरे तनकीद बहुत ज्यादा कितने रिश्तेदार करेंदे पे कितने नजदीकी रिश्तेदार तनकीद करेंदे पे बच्चे
या बच्चियां ते अगर थोड़ा वो अपनी मर्जी करेंदे पे उन्हें ते यकीनन तनकीद दा सामना करना पौंदे और यकीनन दूजा बंदा उदास ही थी वेंदे और इदे चुंदा हौसला भी टूट हां। अच्छा जो तनकीद करने वाले वो बीमार ज़हनियत के हामिल हो, हम तो उनको ये कहेंगे जो तनकीद करने वाले। अच्छा इसमें भी तनकीद दी तारीफ है भाई, एक तनकीद तुसा करेंदे पे इस्लाह वास्ते, एक तनकीद करेंदे पे बराए तनकीद। इंदे विच ना सब थोड़ा फर्क समझदा, यानी अगर बच्चे दी तनकीद करनी है, वो डांट डपट करनी है, कुछ समझावणे, उनको कुछ सीधा रास्ता लावणे या गलती की निशानदेही करनी है, उनका बेहतरीन तरीका है कि उनको अलग तो समझावने, बेड़ी फिराव तो अलग करके, बच्चे की जिहड़ी अना है ना वो बड़े तो भी ज्यादा तवाना होंदी है, मजबूत होंदी है, वो बच्चा ना बड़ी जल्दी महसूस करेंगे कि मेरी अना मजरूत है। ये उन्दे च बेहतरीन तरीका है कि तुस अगर उनको समझावने, देखो मैं तो बल आखसा कि साडे मुआशरे दे अंदर मुहब्बत उठ गई है, असा मुहब्बत मुराद वो गिने जिहड़ी असा फिल्म दे दें कि मुहब्बत ये नहीं। मैं हमेशा आता ना कि बच्चे को मदद और रहनुमाई टीचर भी देवन, वालदैन भी देवन और मोहब्बत ना देवन। मोहब्बत नाल जो बच्चा सीखसी और डांट डपट नाल तनकीद नाल ना सीखसी। अच्छा तुसा मैं बल एक बजौर माहिर नफ्सियात या बच्चे की ग्रूमिंग दे वाल नाल मेरा एक शोभा है पाया, मैं ट्रेनिंग देना बालों को पूरे मुल्क देना, बच्चे की तरबियत दे हवाले नाल तरबियत ते अतफाल दा एक प्रोग्राम करे ना। मैं ये आदा कि तुसा बच्चों के मिजाज को समझो, उन्हां दी तबीयत को समझो, उन्हां दी पसंद नापसंद को वालदैन समझो और उनके मुताबिक डील करो। अच्छा सारे उल्टा चल रहा है, चाहते पे कि बच्चे अपने पेरेंट्स को समझन, उन्हां दे मिजाज को समझन, जो वालिदान के घर च देखें कि उनका की तरह का मिजाज, जो कि हमेशा सारे मावां ने सबको आखे बीठा करो तेरे प्यो का मिजाज किवे है, अगर खुशगवार है तो यकीनन अपनी गल जी है तुसा कर सकते हो, इंतजार करो जो लंबा जना। अच्छा इतना मैं ऐड करे ना, मैं ऐड करे ना गल के मैं आदा के बच्चिया नाल वालदैन बच्चे बन वन वल देखो कितना अच्छा रिजल्ट मिलसी। तुसा सारे मरीजों को दर्द की गोली नहीं देंदे, सारे मरीजों को गले दे इन्फेक्शन की गोली नहीं देंदे, हर मरीज को उनके मर्ज के मुताबिक अलामात के मुताबिक दवा लेंदे हो। एक डॉक्टर अच्छा मौलिज जड़ा है वो मौलिज की उम्र भी पूछ दे और मर्ज दे दवा भी देने। इवें बच्चे की छोटी जड़ी उम्र है, नन्ने नन्ने बच्चे, उन्हें को तुसा डांट डपट ना करो, तनकीद ना करो, उन्हें हौसला अफजाई करो और मोहब्बत नाल करो। अच्छा, सिखाओ ते मोहब्बत नाल सिखाओ। तनकीद पे एक बात याद आई, हमारे घरों में एक और रुझान नहीं है, बहुत अरसे से जो परवरिश पा रहे, कंपेयर किया जाता है बच्चे को दूसरे बहन भाइयों से भी कि वो तुम्हारा भाई तो यूं करे, फिर उनसे एक नफरत का एलिमेंट पैदा नहीं होना शुरू हो जाता कि बच्चे आपस में एक दूसरे से मुकाबलेबाजी, घर के अंदर ये कंपटीशन करवाना, दो चीजें कि तुम तो बेवकूफ हो, कम अकल हो, तुमने अपना भाई देखा वो फर्स्ट आ रहा है, कजन देखा, तो ये वाला रवैया भी बहुत है हमारे यहाँ। ये चीज बाल बहुत कम्प्लेक्स का शिकार है, वालदैन को ये चीज का ख्याल करना। बल्कि आयशा हुन तक एक मौजू बन गए कि उन्हें नाम ही जिठे वे कितने नंबर के दिन, उन्हें जिठे मैटर कितने नंबर, बच्चे को ना रेट रेस ला रही, चूहे वाली दौड़ ला रही थी, वो कुछ सही माने तरबियत नहीं थी। जरूरत ई वक्त जिहड़ी असा आखते पे ई चैनल दे जरिए, तसेब दे मॉर्निंग शो दे जरिए, कि बच्चे को बहुत ज्यादा तरबियत और तवज्जो दी जरूरत है, ध्यान दी जरूरत है। राफी आदे पहन के बालों दी निगहदाश्त भी करो मगर मोहब्बत नाल, निगरानी भी करो मोहब्बत नाल, सख्ती नाल नहीं, सख्ती और जबर नाल ते बाल बिगड़ दे, उनकी शख्सियत खराब थी। कोई मजाक जब दिल में आया दे दिया तलाक,
हो जाएगा अकेला मिलेगा ये सिला करीना तब तो मुझसे शिकवा पड़ेगा जिस दिन तुझे अकेले रोना अब खुद से ही मुझे आती है किन तू चला तो गया है पर छोड़ गया है एक लकीर सी मेरे दिल में तुझे नजर नहीं आता क्या मेरी हालत हो गई एक फकीर सी पर खैर तू था ही नहीं कभी तकदीर में ये तसल्ली देता हूँ मैं खुद को एक बार आके मुझे मिल तो तुझे सुनाऊं मेरे दिल का हाल कैसा मच गया बवाल तेरे जाने के बाद मुझे मिला ना जाने क्यों ना उतरे मेरे सर से तेरे इश्क का जुनून जबरदस्त जबरदस्त और इन नाल ही नाजरीन ऐसे चलने पे छोटी ब्रेक दे कि थे ना वैसे सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदी तक को सवेल दे रंगे और जनाब बिल्कुल गपशप चल दी पई है और जनाब जी खाजा मजहर सदीकी साहब का मैं खाए बहुत ज्यादा अलेस हो और यकीन बहुत ज्यादा ही बुलेसन थे जल बुलेन थे माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बुलेन थे और बहुत सारे गाने जनाब ऐसे भी हैं बहुत सारे मैं इन्फॉर्मेशन देने जी कि मेरे को भी बाजे टाइम नहीं पता होंगी थी क्योंकि ना काम ही ट्रेनिंग देना है और यकीन मेरी भी ट्रेनिंग करे खाजा साहब तरह वाले सलसा और सबको खुश करना या सबको राजी रखना बहुत ही मुश्किल काम है और सब दी तरह मैं जिंदगी गुजारना जिन्हें कि लोग चाहने वो भी बहुत मुश्किल काम है क्या है? देखो मैं गुजारिश करे ना कि जिंदगी जी है ना ये इंसान को एक दफा मिलती है और ये बार बार नहीं मिलती और ये इंसान दे उते है कि अपनी जिंदगी को कामयाब बने दे या नाकाम बने दे असा खुशियां दे पिछू दौड़ते हैं और साको अगर दुख मिले तो सब परेशान थी मैंने और याद रखे जो फुल होंगे कांटे भी लगे जे सफर करें दे हो, विच ना हमवार रस्ते भी आने ना माफिक हालात भी आने असा अपनी मंजिल दा निशान ला गिनु वाल रस्ते जितने रुकावट आसन तकलीफा आसन मुश्किल आसन मसाइल आसन परेशानियां आसन आफात आसन ना गुजीर हालात आसन असा मजबूत होसू ता मुश्किल साकू नुकसान नहीं पहुंचा सकते तकलीफ नहीं पहुंचा सकते असा अपनी पसंद अगर कम करना चाहने हैं अपनी जिंदगी दे अंदर अपनी पसंद की जिंदगी ते मैं ये हमेशा आदा होना कि आइडियल लाइफ कहीं को नहीं मिल सकती आइडियल लाइफ जन्नत है भाई ये दुनिया की जिंदगी तमाम ख्वाहिशां आरजुआं खुशियां दी पूरी थी मन दी जिंदगी कोई नहीं इतना मन ये लाइफ जड़ी है ना असल दे विच असा नंग धड़ंग पैदा थे हैं और नंग धड़ंग बने जमदे हैं तो नंग धड़ंग होने फौत थी ने तो नंग धड़ंग विच दी लाइफ को अगर असा एक छोटी जी गल समझ गिनू हम जिंदगी में खोते भी हैं पाते भी हैं मैं कि यार हम ना खोते हैं ना पाते हैं हम तो बोनस लेते हैं अच्छा ये बोनस कहीं को घट मिल दे कहीं को ज्यादा मिल दे और ये बोनस तू जड़ा इको नेमत समझ दे और खुश थी दे अच्छा इतना लोग क्या गलती ये थी और समझ दे मेरी मेहनत नाल मेरे को मिले मेरी कोशिश नाल मेरे को मिले मेरी सलाहियत नाल मेरे को मिले नहीं ये रब दा करम होंदे लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा अल्लाह पाक कुरान फरमान इंसान जड़ी शादी कोशिश करेंदे मैं आपको वो देना हूँ कोशिश और मेहनत करना माली दा काम बीज बोना है
पानी देना है, फल फूल लाना अल्लाह का कम है। इतना मैं गुजारिश करें ना कि खुशियां उन्होंने मिल दें जेडे मेहनत करे ने और मुकद्दर और मेहनत का मिलाप थी मेरे। ठीक, अच्छा आख सकते हैं इतना जिंदगी गुजारने नजरिए को बदलने की जरूरत है, अपने रवैये बदलने की जरूरत है। जी मैं गुजारिश करें ना कि साढ़े रवैये मिनहसुल कौम था मनफी इन पे मसबत कहनी क्यों मैं तक बल से ना असा बहुत छोटी उम्र की कौम है और बल कौम नहीं हजूम है अवाम है असा कौम नहीं बने असा मिल्लत नहीं बने असा उम्मत नहीं बने फर्क इन बहुत बड़ा सवाल है इनका बहुत बड़ा जवाब है। मैं मुख्तसरन ये आखना चाहना कि सब तो पहले तो साकू तालीम हासिल करनी चाहिए साकू तालीम हासिल करनी चाहिए और साकू अपनी जिंदगी का मकसद समझना चाहिए। ये जिंदगी आरजुओं के पूरे थीवन की जिंदगी कोई नहीं ई जिंदगी च ई तरह रामने जिवें एक मुसाफिर कुछ देर वास्ते आराम वास्ते रहंदे अगर तुस अपनी ख्वाहिशां की दौड़ भैसो उनकी तकमील तलाश करे सो तो वह सिर्फ जन्नत पूरे थी सकते हैं। ये दुनिया अमल की दुनिया है, ये दुनिया आखरत की खेती है। इतना कोशिश करके अपने रवैया को मसबत किया बन सकते तो सवाल का जवाब है वह ती सन के जिस वे सारी दिल के अंदर यह लालच पैवे सी कि असा दुनिया परस नहीं बनना आखरत परस बनना असा इंसान को सुख देवने इंसान को खुशी देवनी है इंसान को देखो खुशियां ना तकसीम करने वध दें। बिल्कुल बिल्कुल यानी इतना आप रवैये और आप सोच बदलने की जरूरत है जनाब। मजीद गुफ्तगू भी करे सो अरसलान हां सानल बहुत शुक्रिया अरसलान तुसा तशरीफ कहन के थैंक यू जनाब। और ही नाजरे से चलते पे एक छोटी ब्रेक थे, ब्रेक के बाद वापस गेस्ट हो जैसा ज्वाइन करे सन जल्दी छोटी ब्रेक वेलकम बैक नाजरीन खुश शाम दे दफ्तर को सवेल दे रहा और गाल थी पे जिंदगी अपना नजरिया जड़ा है जिंदगी गुजारने का नजरिया जड़ा है उसको बदलने की जरूरत है पई और आधन ना बहुत सारी चीजें हैं या बहुत सारी हकीकत जड़ी है को जानना बहुत ही जरूरी होती है और आधन जो तुम हमेशा परेशान रहसो यकीनन तो वाल यकीनन तो कोई चीज लाइफ अच्छी ना लगती है गलो परेशानी को उसे ते सवार नहीं करना और जरा रवैया तब्दील कर देसो यकीनन जी परेशानी है वो भी खत्म थी जैसे कुछ लोग हर चीज से हंजू वह नजर आने थे कुछ लोग कुछ ना मिलने थे ख्वाहिश पूरी ना थी मनते पूरी जिंदगी जनाब जी आदन हाथ मसले नजर आने थे और पूरी जिंदगी याद रहने की मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं थी। अगर मैं आती हाँ कि मोहब्बत सबर और खुशी ये त्रै चीज़ा सारी जिंदगी ऐड थी वन तो वाल यकीन सारी जिंदगी काफ़ी हद तक खुशगवार थी सकती है। इन टाइम सारे एक बेग गेस्ट आ चुके हैं थे जनाब जी बिल्कुल समाजी कारकुन हैं पर राफिया मलिक हैं। गुड मॉर्निंग आपसे जी आए को खुश आमदीद अस्सलाम वालेकुम सबको अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बहुत खुशी थी ये सेब ने सको यानी कि था हमने दावत दी थी बहुत ज़्यादा खुशी थी ये खुश आमदीद थैंक यू सेब टीम को सबको गुफ्तगू करेंदे हो उन्दे इतने सारे सवाल होने हुण तुसा मुहब्बत सबर खुशी अच्छा हर मौजू ते बोलन वास्ते ना मेरे को एक एक डेढ़ घंटा चाहिदा है मुहब्बत ते डेढ़ घंटा बोल के इंसान सबर ते डेढ़ घंटा बोल के इंसान खुशी दे उत्ते मैं डेढ़ घंटा बोल सा ये सारी ये खूबियां हैं और साफ हैं जेड़े सारे च कोई नहीं असा मैं तो सच्ची गल असा के मैं दफातर च वेना इदारे च वेना तो मैं डिठे के लोग मुहब्बत नाल पढ़ेंदे ही कोई नहीं मुहब्बत नाल कम ही सब तो पहली मुहब्बत जेड़ी इंसान को करनी चाहिए वो अपने रब नाल करनी चाहिए जिन्हें को पैदा कीते जेड़ा उंदे वास्ते सारी कायनात बनाई है वल उनको अपने रसूल नाल मुहब्बत करनी चाहिए अपने वालदे नाल वल उन तू ज्यादा मुहब्बत होगी अपने काम नाल करनी चाहिए असा काम तो करें चट्टी नाल करें खुशी नाल नहीं करें दिली अमादगी नाल नहीं करें अच्छा हुण तो सबर का जिक्र किते सारी जिंदगी सबर तो खाली है अच्छा सबर जड़ा है ना बड़ी बेहतरीन कुंजी है कामयाबी की सबर दी कीमत ते सब कुछ जन्नत मिलनी है जेडे भी लोग सबर को इख्तियार करें अल्लाह दे अल्लाह उन्होंने नाल थी वेंदे इन वास्ते अल्लाह पाक कुरान पाक फरमाया इन अल्लाह मा साबिरीन क्या कि मैं सबर करने नाल हां हुन तुसा जिक्र कीते खुशी दा ते खुशी ता दुनिया दी अनमोल नेमत है भाई इदी कोई मैं आदो ना कि खुशियां बाजारां च नहीं मिलदे खुशियां दुकानां प्लाजियां च डिपार्टमेंट स्टोरां तो नहीं मिलदे खुशियां अंदरों फुट देन और ए ता फुट देन जेवले तुसा छोटी छोटी खुशियां लोगों को देंदे हो एक बहु वड्डा आदमी एक बहु दुखी आदमी एक बहु वड्डे स्कॉलर कोल दानिशवर कोल माहिर नफसियात कोल गया आखर लगा मैं हर वेले नाखुश रहना
ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੰਨ ਔਰ ਚੰਦ ਫੁੱਲ ਮੁੱਲ ਗਿਣ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੋਂ ਫੁੱਲ ਗਿੰਦਾ ਸੈਂਕੜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਂਟਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਮਹਾਰ ਹਾਂ ਕੁਮਹਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਮਹਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗਿੱਲੀ ਮੱਟੀ ਕੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਬਣੇ ਜੀ ਕੋ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰੂਫ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕੁਮਹਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਚਿਲਮ ਬਣੇਦਾ ਪਿਆ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਚਿਲਮ ਬਣੇਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਚਿਲਮ ਤਕਮੀਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਰਲੇ 'ਚ ਆ ਕਿ ਊਂ ਟਾਈਮ ਊਂ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਉਹਨੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਨਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ ਗੁਬਈ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਚਿਕਨੀ ਮੱਟੀ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਮੱਟੀ ਕੁਮਹਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੁਮਹਾਰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਿਲਮ ਬਣੇਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿਲਮ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਆ ਬਣੇਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲੇ ਸੋਚ ਦਾ ਜ਼ਾਵੀਆ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚਿਲਮ ਬਣੇਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਚਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦ ਵੀ ਜਲਸੀ ਅੱਗ 'ਚ ਬੁੱਕੇ ਦੀ ਚਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਡੱਟਾ ਵੇਂਦੇ ਗੁੜ ਸੱਟਾ ਵੇਂਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਅ ਬਲਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਚਿਲਮ ਖੁਦ ਵੀ ਜਲਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲੇ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਰਾਹੀ ਬਣਾ ਗਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਛੱਡੀ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬੇਦੀ ਵੀ ਪਿਆਸ ਕੋ ਬੁਝੇ ਸੀ ਇਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਅਸਾਂ ਮਨਫੀ ਤੋਂ ਮੁਸਬਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜ਼ਾਵੀਆ ਬਦਲ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਮਨਫੀ ਤੋਂ ਮੁਸਬਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇ ਸੋ सोच को बदलने के लिए ना कोई वक्त नहीं है अगर आपने 20 साल किसी मनफी और पुरानी सोच के साथ गुजार दिए तो आप अपने अंदर लचक लाएं तब्दीली के लिए हर लम्हा तैयार रहे उस मुस्बत सोच को अगर आपकी आज मुस्बत सोच आज बन गई है तो आज से आप अपने अमल के अंदर उस मुस्बत सोच को ले आए اچھا اچھا اتنا میں کہہ رہا تھا خواتین کے سارا شور دے بیٹھے ہوتے تھے اور زیادہ تر اچھا ظاہری شکل و صورت تے ٹائم سپینڈنگ کرنے آپ زندگی دا زیادہ تر جڑا قیمتی وقت ہے او اسا صرف اے دیکھن میں گزرے نے کہ میں کیویں لگدی پئی ہاں لوگ میرے بارے وچ کیا آکھن تھے یعنی ان دے تے اسا زیادہ سپینڈ کرنے پنے یعنی اسا اپنے انر والے پاسے نہیں ویندے پندے کہ انر دی جڑی شخصیت ہے او کو اسا کیویں تبدیل کر سکتے ہیں ای چیز تے گل کر سنا دین چھوٹے بریک دے ویلکم بیک ناظرین خوش شام دے تک ستا کو سویل دے رہنگے اور جناب بالکل پہلے گال تھیندی پئی ہے کہ اسا لوگ جڑے ہیں ظاہری شکل و صورت تے بہت ہی توجہ دینے ہیں اور جیں کہ بچیاں دی اگر اسا گال کرنے ہیں تے بچپن وچ ہی انہاں کو آکھا وین دے ای نہ باؤ اے ادب ہے اے تہذیب ہے ای اٹھنے ای باونے ای کھاونے مطلب بہت سارے ریسٹرکشن چلدی رہن دی ہے اسا جڑے نہ نظر آون والے صلاحتا ہیں پیا نہ نظر آون والے چیزاں جڑے خصوصیات تھے اکو محسوس کیوں نہیں کریں دے اکو بلٹ کیوں نہیں کریں دے انہوں تے گال کرے سن جناب بالکل کیا اکسو جی مریم عائشہ کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے جیسے بات ہو رہی تھی اور نہ نظر آنے والی خصوصیات ہر شخص کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت ایسی رکھی ہے کہ اس کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے اور خصوصاً بچیوں کے اندر اب کوئی بچیاں ہیں تو ان کو ریسٹرکشنز کے اندر رکھ دیا جائے بہت اچھی درزی بن سکتی ہیں مطلب اگر کاریگری کے حساب سے دیکھا جائے بہت اچھی ڈیزائنر بن سکتی ہے مطلب ہم اس کو دیکھ لیں بہت اچھی میک اپ کر سکتی ہے مریم 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 نے کیا سوچا ہے کیا ایجوکیشن دی فیلڈ سوچ سمجھ کے آئے یا جن بچیاں واسطے زیادہ ٹیچنگ ہی کو بیسٹ سمجھا ویندے تھے کیا ہے نہیں میں نے بڑا سوچ سمجھ کے اس شعبے کا انتخاب کیا تھا میں نے ایم ایس سی سائیکالوجی کو پریفر کیا اور میرا لاسٹ سیمسٹر تھا اور اس سیمسٹر کو ڈراپ کر کے میں نے ایم فل اردو میں کیا ایم اے اردو کیا پھر ایم فل اردو کیا اور اس لیے کیا کہ ہماری قومی زبان ہے اور تبادلہ خیال کی زبان ہے اور میں بچوں کو دیکھ رہی تھی کہ ان کے اندر سے آہستہ آہستہ اردو کے حوالے سے انگریزی کیونکہ زبان بہت زیادہ رائج ہو گئی ہے تو اردو سے دوری بھی اور مطلب اردو ہماری ثقافتی زبان ہے ثقافت سے جوڑنے کے لیے تہذیب سے جوڑنے کے لیے آپ کو وہ زبان ضروری ہے جس دھرتی میں جس خطے میں بولی جاتی ہے کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ٹیچنگ کا شعبہ جو سب سے بیسٹ ہے اور جیسے میرے پاس بچیاں موجود ہیں
तो हम उनको यही अवेयरनेस देते रहते हैं कि जो आपकी अंदरूनी सलाहियतें हैं बेटा उनको पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए और उनको आप बाहर लेकर आइए, हदूद के अंदर, तहजीब के अंदर, शाइस्तगी के अंदर. आपने कल को एक पूरे खानदान को लेकर चलना है उन बच्चियों ने, तो जब खानदान की एक जिम्मेदारी पूरी एक बच्ची के ऊपर आती है तो उस बच्ची ने कल को अगर माँ बनना है, बीवी बनना है, बहू बनना है, तो उसके अंदर ऐसी एबिलिटीज हों जो वो पूरे खानदान को जोड़ने में काम आए. और ये गाल चलते पे हैं कि बच्चिया अपनी जिंदगी गुजारने की कोई अपनी मर्जी क्या नहीं होगी, यानी कि खुद क्या बढ़ना चाहें, खुद क्या करना चाहें, उन्होंने को नहीं पूछा वेंदा, सिर्फ अगले घर की प्रिपरेशन थी नहीं पई होनी. बड़ी बल हुआ अक्सर तो बहुत सारे गाली दा खुद मजमुआ बना गिंदे हो, गुलदस्ता बना गिंदे हो. गाल लेके सब तो पहली गाल जड़ी मैं नोट की थी है, सारे बच्चे ना अक्सर तालीमी मैदान नाकाम थी मैंने और वो प्रैक्टिकल लाइफ ही नाकाम थी ने, उन्दी मैं वजह कोशिश की थी है लभा तो मैं एक जगह ते पहुंचा सारे है ना मिस मैचिंग होती है. बच्चा फोटोग्राफर बनना चाहते वालदैन डॉक्टर बनाना जानन, बच्चा इंजीनियरिंग वाले पासे बनना चाहते वालदैन डॉक्टर बनाना जानन, बच्चा फुटबॉलर बनना चाहते, म्यूजिशियन बनना चाहते, आर्टिस्ट बनना चाहते, वालदैन आते नहीं तू टीचर बन साड़ा ना रोशन कर. वाल पता क्या थी इन्होंने नतीजा, वो एक बच्चा अपने वालद का नाम लिख के ना उत्ते मोमबत्ती जलाई बिठाई, कई ने आखी क्या करें पे उन्हें आखिर मैं अपने वाले का ना रोशन करा था. बल बाल ई तरह का ना रोशन करे सन. हकीकी माने दे अंदर बच्चों के अंदर जिनको असाद है ना करियर काउंसलिंग वो बचपन च थी चाहिए. बच्चे का इंटरस्ट टीचर दसे वालदैन को और वालदैन दसन टीचर को. साड़ा बच्चा मैं तो एक बड़ी मजेदार गल दसा, बस बच्चे जड़े वेले छोटी उम्र उनके लड़की लड़के को नहीं असाद बच्चे आते हैं खिलौना घर आते तो खोलन बह गए उनके एडिशन करन बैठ रहे हैं खिलौने को कोई भी शक्ल ले रहे हैं तो सानू कोई गेम खेलने वाले दो एक नवी गेम खुद बना दी. बच्चा इतना जहीन और जरखेज होंगे मैं आदा ना कि एक छोटा जहा बच्चा ऐसे हजारों सवालात कर सकते कि जिंदा जवाब वड्डे को नहीं होता और वो ऐसे हजारों काम कर सकते कि जिंदे जिंदा वड्डे ने तसव्वुर ही नहीं होता. बच्चा अच्छी पेंटिंग बना गिंदे, बच्चा अच्छा सिंगर है पिया, अच्छा नात खां है पिया, अच्छा क्रिकेटर है पिया, तुसा उन्दे फितरी रुझान तिबी रुझान उन्दे मिलान दे मुताबिक उनको शोभा दे दो. वल तो उन्दी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार सी, यानी बच्चा क्रिकेट खेलना चाहते तुसा उनको हाके पकड़ने पे हो, बच्चा फुटबॉल खेलना चाहते तुसा उनको स्क्वाश लेने पे हो, इवें बच्चा सिंगर बनना चाहते तुसा उनको डॉक्टर बनने पे हो. ते मैं ये आखना चाहना कि साकू बहुत छोटे ला वालदैन बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों को इनका पता ही कोई नहीं. मैं पहले ही प्रोग्राम में एक दफा आ गया कि सत साल की उम्र च बच्चे की 70% शख्सियत बन जाती है. मैं 21-22 दी पहले एक रिसर्च पढ़ता पाया कि हुन 4 साल के बच्चे की 70% शख्सियत 4 साल की उम्र बन. अच्छा इतने मैं गल करें पे हम के बच्चियां दा जो कॉन्फिडेंस है वो वालदा ही बिल्ड करें दी है. ठीक है वो गाल ही नाल वो एतमाद नाल वो अपनी रहन सहन नाल आसान वो पहले खुद अवेयर थी वेला. हां 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 सवाल की नेचर देखी जाए तो बच्चियों के हवाले से जैसे बात करें अब लोगों में ट्रेंड चेंज नहीं हो क्या? नहीं लोगों में अवेयरनेस आ गई है. वो जो पुराने दौर में बच्चियों को पाबंद रखा है. हाँ अगर हम माएं बन रही हैं तो मेरा ख्याल है हम अपनी बेटियों को अब वो इजाजत दे रही हैं, वो आजादी दे रही हैं. एक नई मतलब एक ट्रेंड चेंज हो गई है. क्या ख्याल है? सही 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 इन तो गाल भी करे सो मैं राफिया को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूँ. लेकिन मेरी गाल करे सन लेसन से असा जो सोच है ना बच्चियां दी इको असा गाल करने पे है कि बदलन की जरूरत है. बच्ची को जिन्हें भी माँ सोच दें दी है कोई नहीं पता कि सही है गलत है. अक्सर ये आंदे में जी गाल करें पाई सही है या गलत है, यानी बच्ची को तो भी नहीं पता होता कि मेरी जी गाल है वो भी सही है या गलत है. वो इन घूमती रहती है जी अपने ख्याल का इजहार भी सही तरह नहीं कर सकती होंगी और अक्सर दूजिया की गाल बड़ी जल्दी अडोप्ट कर गिंदे या मशवरे को मन गिंदी. क्या सही वाले देखो आयशा गाल ये पी कि अजकल के बाल हैं तो बहुत जहीन. हाँ इन कोई शक भी कह नहीं तुम उन्होंने को मोबाइल पूरा पाकिस्तान बनवा गए लो तो बालों का जहानत का दौर है. लेकिन माँ प्यो को बहुत केयर की जरूरत है क्योंकि बाल जहानत की वजह को कोई गलत साइड से भी चले वे बिल्कुल इंदा एक नवा भी थी वेंदे. तो दूजा यह है पे कि मेरी ये पी राय कि बाला को तकरीबन माँ प्यो का अच्छा दोस्त जरा ना माँ प्यो राफे अपने अगर तुसा गाल करें दे तो तुहाड़े किवें है मतलब तुसा यकीन है अगर नवे दौर दे बाल जहीन है ज्यादा असा असा था भोलिया से असा लोग असा बहुत भोलिया से वाकई हकीकत है. लेकिन आजकल दे बाला बहुत शोर है पे और अजकल दे बाल माशाल्लाह तुसा उन्ना को जो मर्जी आवे करवाओ बिल्कुल
ਟੀਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਪਏ ਗੇਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋ ਵਧੇ ਨਾ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਰਾਹਾਂ ਮੁਤਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਖੁਦ ਮੁਤਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖੁਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥਾਂ ਉਹ ਕੋ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਈ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਗਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਔਰ ਮਦਦ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋਲ ਮੰਗਣੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਔਰ ਮਦਦ ਅਸਾਂ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਮਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਇਬਤਦਾਈ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਕੂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋ ਨਾ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੁਲਾਵੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋ ਮਾਂ ਦੀ ਤਵਨਾਈ ਮੁੰਤਕਿਲ ਦੀਨੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 7 ਬਰਸ ਤੱਕ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤਵਨਾਈ ਪਕੜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਇਤਬਾਦ ਹੋ ਸੀ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਸਲਾਈਤ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਥੀਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਅਲੱਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਭੋਣ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੰਭੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਿਮੋਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੰਭੋਣ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਈ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੂੰਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਰੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਥਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਕੋ 5 ਮਿੰਟ ਸਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਣੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ ਗਿੰਨੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਗਿੰਨੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋ ਦੇ ਦੇਣ ਔਰ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਨ ਉਹ ਬਾਲ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਇਤਮਾਦ ਬਾਸਲਾਈਅਤ ਔਰ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਵੇਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਨ ਅਗਰ ਇਸੀ ਬਾਤ ਕੋ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਜੈਸੇ ਮਜ਼ਹਰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਅਗਰ ਹਮ ਬੱਚੋ ਸੇ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਓ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤੋ ਅਗਰ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਇਬਤਦਾਈ ਜੋ ਮਾਂ ਹੈ ਵਹੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਏ ਤੋ ਫਿਰ ਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋ ਮਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਅਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਜਿੱਤਾ ਥਿੰਦੇ ਜਿੱਤਾ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹਮੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋ ਆਦਮ ਵੀ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਕਿ ਤਾਗੂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਈ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਦੋ 11 ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਇੱਕ ਛੱਤ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੇਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੋਣ ਉਹ ਉਗੂ ਕਟੇਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਟੇਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਲੱਕ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋਈ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀ ਕਰੋ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹਾਊਸ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਇਤਮਾਦ ਸੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਇਸ਼ਾ ਕਾ ਜੋ ਆਪਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਲਿਆ ਥਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇ ਜੋ ਫਾਦਰ ਕਾ ਹਾਥ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੋ ਬੜੀ ਭਾਂਜੀ ਹੈ ਪੀਐਮਏ ਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਹਿਨੋਈ तो बच्चियां माँ की निस्बत बाप से ज्यादा अटैच हैं और फादर ने घर में जो है इंग्लिश के लिए कि मतलब उर्दू तो हमारी लैंग्वेज आ गई इंग्लिश के लिए तमाम इंग्लिश अखबार लगवाए हुए हैं उर्दू सख्ती से बोलना मना है टीवी के चैनल्स मना है अच्छे कार्टून बंद हैं और ना बच्चियां जो है वो ज्यादा माँ की निस्बत बाप से अटैच हैं और बाप से ज्यादा वो मतलब फख्र महसूस करती हैं अब वो ट्रेंड भी चेंज हो गया कि हम बार बार कहें कि जी माँ की जिम्मेदारी है माँ की जिम्मेदारी नहीं अच्छा वर्किंग वुमेन नजर आती है यकीनन सिर्फ एक बाप ने कमा नजर आती क्योंकि जो है दौर जो बदले थे जिम्मे महंगाई आई है पढ़ी लिखी एक माँ भी आई है इनके अलावा जनाब जिम्मेवार जनाब डिवाइड थोड़ा वह ही जरूरी है उमले सारे वेले सारे मामा घर में होने हैं घर के काम संभलेने हैं और बच्चों को संभलेने हैं लेकिन आज की जड़ी माँ है और यकीनन बहर भी काम करें पई है और एक वर्किंग लेडी भी है और नाल नाल जनाब जी हाउस वाइफ है तो गाल करे सुनाज रहे छुट्टी ब्रेक के बाद
अर्शवंत को भी एप्रिशिएट करो अपनी स्टडी के नाल नाल अपना शौक भी खेल के नाल चलते पे क्या करने अर्शवंत प्रोफेशनल बनने थे सिंगर अगू या क्या नहीं बस शौक ही खेल के चल नहीं मैं प्रोजेक्ट करन दा पिया ए टाइम हिक ड्रामा है ओएसटी हुंदा सही जबरदस्त ते हिक मूवी आंदी भी सुपरस्टार सही उंदा भी प्रोजेक्ट करन दा पिया अजकल मैं भी बालां दा ही एक फंक्शन करे दी पई आ अच्छा गुड ते ए टी हाउस विच ना ते उंदे बालां दे प्रमोशन दे हवाले नाल है और गुरदेव ती अज बालां दा ही हवाला है पई था भी स्पीच करनी और राणा फराज नून सदर होनी मैं ठीक है जबरदस्त जबरदस्त अच्छा वैसे एक शायन है असा अगर गाल करने हैं कि वैसे तो गाल करने हैं कि खवातीन को पूछा नहीं वेंदा और उनकी मर्जी नहीं चलती पेंदी लेकिन खवातीन दिसा जगह के अंदर पैसे के तो नहीं कुछ सुनना भी खवातीन भी को पूछा नहीं वेंदा खवातीन की मर्जी नहीं चलती मैं देखो नहीं नहीं असलियत है मेरी गाल सुनो मैं मेरा मेरा मौका सुन लेना नहीं मेरी गाल सुनो इनकी अजवाजी जिंदगी दी कोई बस देखो जी मैं एक मर्द हां मैं एक मर्द हां एक बालिग मर्द हां एक जिम्मेदार शख्स हां मैं अपनी माँ का मुरीद हाँ पिया अच्छा मैं उनकी हर गल मेरे नाम मेरे मैं अपने भेणी का पसंदीदा भाई हाँ पिया मैं अपनी बीवी का बड़ा फर्मा बरदार खामन हाँ पिया अच्छा मैं अपनी बेटी का आइडियल अब्बा हाँ पिया मैं समझता कि मेरा बेटा अगर मेरे को फरमाइश करे तो मैं कुछ टाल में ना मेरी बेटी आके तो मैं वो चीज तलाश करे बताओ ना एक मार्केट भाई मार्केट मेरी बेटी दी अच्छा हाँ, हाँ, मैं असल पता क्या है असा खाम खा दे शिकवे शिकायत दे माहौल दे असीर थी गए मैं गुजारिश करता ऐसा याद है सारी औरत दी नहीं चलती औरत दी नहीं चलती औरत दी घर च हुकूमत होंगी है औरत दी मर्द हुकूमत होंगी है वो बंदा दुनिया के नाकाम है जिंदी बीवी होंगे जरा अपनी बीवी की ताबेदारी नहीं फरमाबरदारी नहीं करेंदा असा करेने हैं तुसा महसूस नहीं करेंगे अच्छा समझते कोई नहीं एक मर्द बेचारा कितनी हिस्से तक सी और जी औरत का कोई घर नहीं होता औरत का घर कमर होता है और नहीं भाई तू अपने मैं हैरान थी ना औरत अपने बाप के घर भी ठाट करे नहीं है मैं आ दो ना कि आयशा तुसा मेरी गल इतफाक करे सो मैं एक लेक्चर लेना खड़ा यूनिवर्सिटी दे वेच उता खातीन ज्यादा बिना नेचुरल पन निकला मदर भाई मैं हैरान थी ऐसे लग रहा है कि वाकई नेचुरल पन है अच्छा उंदे देखो ना गाल के मैं लेक्चर दे दौरान का कोई लड़की तुसा भी नोट कर गिनो उंदे नसीब विच मलका बनना होवे या ना होवे मगर उंदे नसीब दे विच बाप दी शहजादी बनना जरूर होवे ते असा ता जेड़ी सारी सोसाइटी असा मुल्तान पाकिस्तान च रहने हैं इतना तो औरत हुकूमत करें दी बाप ते भी भाई ते भी खामन ते भी वाल भी असल दे विच मैं तो कोई गल असा असा पढ़े के औरत जहन में ज्यादा होसन उसे क्यों होसन पढ़े असा तहकीक नहीं की पढ़े तो उन्होंने आखिर भी नाशुकरी दी वजह दी औरत को शुक्र करना चाहिए देखो मैं तो वाल असा महदूद करना चाहिए है और देखो मैं तो कोई गल दसा कि एक बुजुर्ग हैं बड़े आदमी हैं उन्होंने जो बेटे की शादी थी तो उन्होंने अपने बेटे को एक नसीहत की थी उन्हें अपने को बुलाया उन्हें कहा बेटा एक जन्नत ओ जी मरण तू बाद मिलनी है एक जन्नत ओ है जी तेको मिल गई है हूं इन जन्नत जरावने ना इनकी कीमत हा है बी बाल ने कहा बड़ी उतना वजाहत ना दसो उन्हें कि बेगम जड़ी गाल करे वो हा करने हाँ। ना करे से तो इतना ही जन्म शुरू थी वैसे हाँ करे से तो इतना ही जन्नत शुरू थी वैसे मैं लोगों को आदा ना कि एक जन्नत मैं हूं मेरा अपनी राय है भाई एक जन्नत वो जी सबको मिल सी मरण तो बाद अगर सारे रसूलुल्लाह सलम ने आके जिन्हें कलमा पढ़े मैं जन्नत किन पैसा सिफारिश करे सा मगर दुनिया च भी जन्नत है भाई खूबसूरत घर घर ना सिलां दा नहीं होंदा गारे दा मिट्टी दा मकान है मकान होंदे घर होंदे अफराद दा अफराद एक बे को एक्सेप्ट करन मामला थी रिजेक्ट करन दे असा एक बंदे को रिजेक्ट करना शुरू करने हैं निगलेक्ट शुरू करने हैं उनकी तोहीन करना शुरू करने हैं बेइज्जती करना शुरू करने हैं अल्फाज सोच समझ के इस्तेमाल करते घर टूट वेने रिश्ते खत्म थी वेने
अच्छा इतना मजहब है तुसे सिर्फ अपनी एक मिसाल लेके साबित नहीं कर सकते कि सारे बंदे एक हो जाएंगे सब खवातीन को इतनी ज्यादा अहमियत देने ये किताबा भरा पे ना खवातीन दे और मैगजीन भी आने थे और बेचारी खातून थे इन्हें इसको झटके से राजी चल रहे हैं भेजते कि है ना वैसे सर ना वेलकम बैक नाजरी वापस आ गए हम लोग और बहस एक बहस छिड़ गई ब्रेकेज और खवातीन मजलूम हैं और जनाब रासन भी सही और गालियां थी पे कि कुछ एक परसेंट जनाब बिल्कुल मजहब भाई वाले हो सकते हैं जो ख्याल रखे 30% लेकिन जो है कि गाल थी पे है मरियम करे दे पे हैं कि ज्यादातर खवातीन वाकई ही जरूरी नहीं होता कि फिजिकल उनको जनाब जी टॉर्चर करो मेंटली भी टॉर्चर थी घर और बहर भी थी जिते कम भी करें पे हो शो नहीं थी पे होंगे असमेंट आते घर में भी होंगे जल मर्द आते बहरू और गुस्से आते थे और उन्हें खवातीन बेचारी का कसूर भी नहीं होता प्रोग्राम एंड थे वाला है एक नेक्स्ट प्रोग्राम रखे सो पूरा जड़ी पूरी गुफ्तगु है यकीन दो घंटे मजीद जा रही सारी रात से क्या क्या अब बिल्कुल नहीं है कुछ नहीं है गुफ्तगु मैसेज दे और बताए क्या कहेंगी चलिए भेड़ी रहते हैं क्या आकसो खवातीन की हुकूमत या बच्चियों का शऊर तो मेरा ख्याल है इस्लाम में भी है मलका सबा एक हाकिम थी और उसका कुरान पाक में जिक्र है तो थोड़ा सा हम लोगों को माशरे को तब्दील करने की जरूरत है सोचों को थैंक यू मरियम गाजी सारे नाल हर बहुत शुक्रिया मरियम तशरीफ खेन के ऐसा ना राफे मलिक का बहुत शुक्रिया क्या मैसेज वैसी देखने वाले को क्या आप सोच है क्लाइंडा मैसेज आज दिन क्या मैं यही अक्सर के तकरीबन औरत मर्द को एक थी के बालों को पालना चाहिए और उन्हें तरबियत माँ पे मिल के कर अपनी सोच और अपने रवैये बदलने चाहिए साकू आपस मोहब्बत ना रहना चाहिए औरत हो या मर्द अल्लाह की तरफ नुवे बेहतरीन तोहफे पे मर्द वास्ते औरत तोहफा है तो औरत वास्ते मर्द तोहफा है ये अल्लाह दे बेहतरीन बनाए रिश्ते खूबसूरत रिश्ते इको खूबसूरती नाल परवान चढ़ना चाहिए है एक बे ते इतमाद करना चाहिए एक बे वास्ते कुर्बानी देनी चाहिए एक बे वास्ते खैर खाई करनी चाहिए एक बे वास्ते मोहब्बत करनी चाहिए जी और असल मकसद जिंदगी दे विच कामयाबी इयो ही है कि तुहाडे घर सुकून होवे खुशी होवे इत्मीनान होवे एक बे दे उते इतमाद होवे तां कई को जिवे आदे ना हुकूमत और फौज एक पेज दे उते बीवी और मियां को एक पेज ते होना चाहिए ताकि सारी औलाद अच्छी थी वे उनों दा मुकद्दर अच्छा थी वे उनों दा नसीब अच्छा थी और कामयाबी हासिल थैंक यू बाबा बहुत शुक्रिया ख्वाजा मजहर सिद्दीकी साहब नेक्स्ट टाइम वाल जिकिन बहुत सारे मौजू जे बह गए थे गुफ्तगू सा करना चाहते ऐसे बहुत को जानना चाहते बहुत बहुत शुक्रिया अश्वन हर अश्वन तो बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ गेन के और नाजरीन दा भी शुक्रिया अदा करे सर थैंक यू जनाब सारा प्रोग्राम लिठा सारे प्रोग्राम दे दियो पसंद करे जो फीडबैक दे दियो तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का वेला मुक गए थी अल्फाज भी आखा गया बस कर रहे हो हम बहु बोल गए थे।